मेज़बान मोहम्मद नोमान और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अलग किस्म की रेसिपी हम लेकर आए हैं आपके लिए। आपने बहुत बार वड़ियाँ खाई होंगी, मूंगी की दाल की वड़ियाँ, लेकिन आज हम आपको एक अलग चीज़ बताने जा रहे हैं, सोया चंक्स लोबिया की वड़ियाँ। पाकिस्तान में ये आपको किसी भी स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगी और मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपको बता दूं कि इन्हें अगर आपने वड़ियों को तैयार करना है अपने घर पे, आप बाज़ार से नहीं खरीद सकते, तो इन्हें कैसे तैयार करना है। पर नाज़रीन, वीडियो जो होती है उसे पूरा देखा करें, स्किप नहीं किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो नाज़रीन, हम बनाने जा रहे हैं लोबिया की वड़ियाँ सोया चंक्स। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो। ये सोया चंक्स हैं लोबिया की वड़ियाँ। तो नाज़रीन, इसके लिए हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं, लहसुन अदरक ले लिया है एक एक चम्मच दोनों, तीन जो हैं मीडियम साइज़ के टोमेटोज ग्राइंड कर लिए हैं, चार से पांच आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, ग्रीन चिली लिए हैं वो हम काट के डालेंगे, इसके अलावा धनिया हम बाद में यूज़ करेंगे, रेड चिली हमने ली है एक चम्मच, एक चम्मच सूखा धनिया लिया है, आधा चम्मच जो है हमने गरम मसाला लिया है और हल्दी ली है हमने आधा चम्मच। तो चले नाज़रीन शुरू करते हैं। इसके लिए नाज़रीन कढ़ाई हमने ले ली है, इसमें ऑयल अपना ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल गर्म हो गया नाज़रीन, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा हम छोंक लेंगे। और अब इसमें अपने प्याज चम्मच डाल देते हैं। प्याज हमने अपना ब्राउन कर लेना है। कढ़ाई में जो चीज़ पकती है उसका टेस्ट ज़्यादा आता है। प्याज नाज़रीन हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया, इसमें हम अपना लहसुन अदरक ऐड करेंगे। अब लहसुन अदरक डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल खत्म हो जाए। लहसुन अदरक की स्मेल जो है उसे खत्म करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ ही इसमें हम अपने सूखे मसाले जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, जिसमें हल्दी, सुरख मिर्च, धनिया और गरम मसाला शामिल है। टमाटर ऐड करने से पहले हम इसमें वड़ियाँ जो हैं, सोया चंक्स जो हैं, इनको शामिल कर लेते हैं। इनमें पानी डाल के इन्हें गलने के लिए रख देंगे हम।
पिलने के बाद इसमें हम अपने पोटैटोज ऐड कर रहे हैं। बढ़िया जो है वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगी, इसलिए आलूओं से पहले जो है हमने बढ़ियों को डाल दिया। इसको एक बार फिर ढक देते हैं। तो नाज़रीन इन्हें हमने गला लिया, इसमें अब हम अपने टोमेटोज ऐड करेंगे जिन्हें हमने ग्राइंड कर लिया था। उस साथ ही थोड़ा सा मज़ीद गरम मसाला जो है ऐड कर लिया। अब इन्हें अच्छी तरह से भून लेना हमने। ग्रीन चिली इसमें अब ऐड करेंगे। इनको भूनना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो ये नाज़रीन आपके सोया चंक्स तैयार हैं, इन्हें अब हम गार्निश कर लेंगे। से नहीं मिलती तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इन्हें घर पे तैयार करने का तरीका बता दूंगा जी। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।